हेलो हेलो भाई, भाई, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल, नमस्कार, नमस्कार, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी आर लकी वी आर लॉग। व्लॉग मैं थोड़ा अपना विक्रमजीत सिंह। ते मैं हाँ थोड़ी लकी। सो गाइस हाँ जी, कर हाँ है, दोबारा कर दो शुरू। हेलो हेलो भाई, भाई, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल, नमस्कार, नमस्कार, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड एंड वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल लकी लकी आर आर वी लॉग। व्लॉग। सो गाइस, हाजिर हाँ थोड़े वास्ते एक नवी जी कैंट जी रिएक्शन वीडियो लेके। ते आज दी वीडियो विच असी गल करन वाले हां। अनवर मसूद साहब, वन यस ऑफ द बेस्ट 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 पोएट ऑफ पाकिस्तान, अनवर मसूद, लिविंग लीजेंड आपां कहांगे। बहुत ही वधिया बंदे ने, वधिया परसनैलिटी है। इन्हां नूं उर्दू की नॉलेज है, पंजाबी की नॉलेज है, फारसी ना कोई के फैमिली च लैक्चरर ने। कलर नहीं नहीं है कि पता नहीं, ना बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? मैनू पिछे नहीं नहीं न्यूज़ मिली नहीं 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 सी। हले ओके विचकारी सॉरी है ने। गाइस, ते मैनू इस बारे फारसी पता नहीं के सी। लैक्चरार ने बहुत तगड़े, इन्हां दी वाइफ भी फारसी की लैक्चरार, इन्हां दी बेटी भी फारसी की लैक्चरार है। ते अज दी जो वीडियो है उन्दे विच बने एन एक नज़म है, इन्हां दी बहुत ही फेमस हुई सी, इंडिया विच काफ़ी वायरल हुई सी वीडियो वाली। वो क्लिप आई सी, आई थिंक वो क्लिप आई सी, पर वीडियो नहीं देखी, बट वो जो क्लिप आई सी बनैन ते बनियान। बनियान है ना, वो बहुत ही फेमस हुई सी। ते अज आपां उसी पंजाबी नज़म ते पंजाबी पोएम उते अपना रिएक्शन देंगे। सो आपां बिल्कुल, करते हैं वीडियो नू स्टार्ट। बहुत मजा आने वाला गाइस। ध्यान नाल सुनियो वीडियो ने, पूरा वॉच आउट जरूर करियो गाइस। सो करते हैं वीडियो नू स्टार्ट। उस तो पहले तुसी करो साडे चैनल नू सब्सक्राइब, ते बेल आइकन नू भी प्रेस करियो ताकि साडे वीडियोस दे नोटिफिकेशन तुहानू मिलन सब तो पहले। ते करते हैं वीडियो नू नजम स्टार्ट। स्टार्ट। तो जनाब, फरमाइशें हैं दो नज़मों की। अच्छा जी, ये आप, मैं बनैन सुना रहा हूँ। स्टाइल बड़ा अजीजा वधिया ने बंदे का मान बोलन दा। मुझे खुद लुत्फ आ रहा है, आपका हुस्ने समाज जो है वो मुझे उकसा रहा है बोलने पर। मैं गया वहां कनाडा, वहां एक 4 साल बच्ची ने मुझे मेरी नज्म बनैन सुनाई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो उसके बाप ने कहा, हैरत की ये बात नहीं है, हैरत की बात ये है कि जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की। ढाई साल में बच्चे बोलना भी नहीं आता चंगी तरह। और एक बात, उसे तारीखी हैसियत हासिल है। जब मैंने ये नज़्म नई नई लिखी थी तो मुझे अहमद नदीम कासमी, अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे कहा अमर कुछ सुनाओ, मैंने ये बनैन सुना दी। तो चुप कर गए। चुप करने के बाद कहते हैं, अनवर मैं एक और फरमाइश करा। मैं कह जनाब हुक्म कीजिए, एक बारी फिर सुनाए। तो ये नज़्म जो है मुझे बड़ा लुत्फ आया। पता नहीं कौन सा मुल्क था, वहाँ मैं गया तो वो वहाँ गैलरी पे बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे और उन्होंने कमीजों के ऊपर बनियाने पहनी हुई। वो फरमाइश का, ये फरमाइश हो रही है, फरमाइश का तरीका। तो मैं आपको, असल में अजीजों, ये नज्म जो है ये एक, ये दरअसल बनैन जो है ये इट स्टैंड्स फॉर द वेस्टर्न कल्चर। ये मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पूरी नहीं आ रही है। अजी, शुक्रिया, बजा लो। जी बनैन, अच्छा देखो मैं तुहानू आउंदी है कि नहीं बनैन लैण। ओए बनैन लैण जांदे हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो ते पै जाए ते लंदे नहीं ले जाते, दूजी बारी पान जोगी। बनैन मेरी बदिया, बनैन मैं देंगा, पाओ कित पै जाए, लाओ कित लै जाए, लै जाते दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी बदिया, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां पूरियां में निक्के आंदे नाप नहीं जी सोए असली। हाय हाय, ते मुंह पई बोल दी तो पुना नो गोरी लग के रसी
है, क्या बात है। इसका कई जबानों में तर्जमा हो चुका है। इस मिसरे का तर्जमा इट शाइन्स लाइक ए ब्राइट ऑन द बाशिंदा। तो अपना रो गोरी लंगे रस्सी उत्ते डोल दी जिन्हें वरे जाओ तुसी इस रूपा डालो फिर पावे बच्चा न जा मैं बना लो। क्या बात, क्या बात है। और अजीजा ने मन बहुत देर हो गई है तो मैं आखिर में बड़ी फरमाइश है, कई हजरात ने मुझे कहा कि वो बशीरे वाली नगर और वो सच्चा वाक्या है। और याद रखिए सच से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं, झूठ के पांव नहीं होते। ये आप अंदाजा कीजिए, ये बड़े बड़े बाजाओ हजरात बैठे हैं, टाइम एलिमेंट बहुत काउंट करता है शेर की तख्लीक में। कभी कभी ये नज्म जो बनाए ना मैंने 5 मिनट में लिखी, 5 मिनट, और ये जो नज्म सुनाने लगा हूँ इस पर मुझे 10 साल लगे। कमाल है, 10 साल। और फिर मैं एक दिन पिंडी पिंडी देव कॉलेज में मैं, मुझे यूं लगा जैसे नज्म मुझे कह रही है उठो और मुझे लिखो। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इस नज्म को बड़ी मकबूल। और बात ये है कि मैंने कॉलेज से पहले स्कूल में भी पढ़ाया। कुंजा एक कस्बा है वहाँ गुजरात के पास, तो वहाँ मैंने पढ़ाया। तो ये वहाँ का सच्चा वाक्या, एक लड़का है बशीर, दूसरा है अकरम, दोबे क्लास फेलो ने ये आप सुनी हुई पहले ना, देर ना लाया है। ते मास्टरों ने पूछता है तू देर ना क्यों आया। तो बहरहाल वो नज्म यूं है, ये कोई पता नहीं होता शेर का, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल। अजीजा ने मन आप इतने बाजौक हैं। मैंने एक खबर पढ़ी, खबर में पढ़ा कि एक खातून पर किसी ने नाजायज हमला करना चाहा, उस गैरतमंद ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लिया, जान दे दी, इज्जत बचा ली। 10 साल बाद मैं एक गजल लिख रहा हूँ, उस गजल में ये वाकया आ गया। उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से, उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से एक पेड़ ने शोलों से बदन ढांप लिया। क्या बात है। एक पेड़ ने शोलों से बदन ढांप लिया। उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से एक पेड़ ने शोलों से बदन ढांप। तो महाराज जी मास्टरों ने पूछता है बशीरे नु आज बड़ी देर ना लाया है। ओए बशीरे, ओए तेरा पिंड ते नाल ही स्कूल है, ते जाएंगे तू मेरे को हड्डियां बना के, ते आया है तू आज दोवें टलियां कुसा के। ही इज लेट बाय 2 पीरियड। और ना मुंशी जी मतलब 2 पीरियड लेट आओ। अगर मैंने ये उन्हें क्लास पहलो नेर जिया नेर अज पाया जिया माई नूए मारता है, की बीट सीज मत है, माई नूए मारता है ते बड़ा डट मारता। आज इस बैडके ने हाथ पई मुकाई है, उन्हें मार मार ले मधानी पक सटी सो, बंदे कठे होने ते उतो चुक बाजू अगे है, चुक के किताबा ते स्कूल वल नसे। माइये दी मुंशी जी घर साढ़े आई सी, मूँह ते नील सन सुजा होया हाथ सी, अखा विच अथरू ते बुल्ला विच रात सी, कह लगी सुनिया वे पुत्र बशीरिया मेरा एक
ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿਨਿਆ ਸੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਬੀਬਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਨੀਆਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਉਸ ਕੁੜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਫਨ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਫਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੋ ਫਸਟ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬਣਿਆ ਲਿਖਣ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਬਟ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲੀ ਬਸ਼ੀਰੇ ਅਕਰਮ ਦੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਹਨਾ ਸੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਖੱਬ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੋ ਵਾਕਈ ਗਾਇਸ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਨਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਟ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਔਰ ਅਕਰਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਗਰ ਮਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਈ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਨੀ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਸ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਨੈਨ ਨਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬਸ਼ੀਰਾ ਐਂਡ ਅਕਰਮ ਦੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਸਟਿਲ ਲੈਨ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।